युवक का अपहरण कर की गई पिटाई, चार के खिलाफ मामला हुआ दर्ज, एक हुआ गिरफ्तार। अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शील टाइगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले शील फाटा स्थित एकता नगर परिसर में फिर एक वारदात हुई है। यहाँ रहने वाले परिवार का एक लड़का रशीद कंपाउंड कौसा में रहता है, रिजवान शेख उसका नाम है। रिजवान शेख ने शील टाइगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, धारा 363, 342, 326, 34, 506 वगैरह के तहत ये मामला रिजवान शेख की शिकायत पर 30 जुलाई को शील टाइगर पुलिस स्टेशन ने दर्ज किया है, जिसमें चार लोगों को नामजद किया गया है। क्या पूरा झगड़ा था, क्या मामला था, क्यों रिजवान को उठाया गया, रिजवान के परिवार वालों ने एक वीडियो हमें उसका शुरू में दिया था, वो वीडियो भी और हमारी संवाददाता सबिया हुसैन शेख ने रिजवान शेख से बात की, वो भी हम आपको बता रहे क्या कहना है रिजवान का। वही रिजवान और उसके परिवार वालों का शील टाइगर पुलिस पर कुछ आरोप भी था, जिस बारे में इस मामले के आयो जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर संतोष टागरे, इनसे हमारी संवाददाता सबिया हुसैन शेख ने बात की। इन सब आरोपों को आयो टागर ने निराधार बेबुनियाद बताया, कहा कि शिकायत हमने दर्ज करा के लिए, चार आरोपियों के नाम है, उनमें से एक को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसमें से एक का नाम गुड्डू उर्फ मुश्ताक शेख है। बहरहाल क्या कहना है भुक्तभोगी पीड़ित रिजवान शेख का, वो आप सुनिए उसकी अपनी जुबानी। रिजवान के अनुसार उसका घर पर आकर के नीचे बुलाने के बहाने अपहरण करके उसे खान कंपाउंड के गोदाम में ले जाकर मारपीट की गई, किस वजह से की गई वो भी खुद रिजवान बता रहा है। हमारे साथ मौजूद है रिजवान खान, उनके साथ क्या घटना हुई है आइए उनसे बात करते हैं। क्या हुआ आपके साथ? मैं रहता हूँ रशीद कंपाउंड ईरानी मस्जिद के पास। कुछ लोग आए मेरे घर पे और मुझसे कहा कि नीचे आ, तुझसे कुछ काम है। तो मैं मतलब नाइटी पहनकर फिर जैसी सीढ़ी से उतरने जाता हूँ, तो कुछ लोग तीन चार लोग मेरे घर की सीढ़ी पे चढ़ते और मेरे कंधे पे हाथ रखकर नीचे लाते। मुझसे आगे आने के बाद मुझसे बोलते कि तू चार मोबाइल चोरी किया और 1.5 लाख रुपया कैश हमारे यहाँ से लेकर आया, तू बैठ, तुम बोला चौकी लेके चलना है तुझे। तो बोला ठीक है चलो, अगर मैं गुनहगार रहूँगा तो चौकी में आप साबित करो, मैं तो ऐसा कुछ किया नहीं, उन्हें तो घर मेरा बाजू में चेक कर सकते हो आप। तो बोले ठीक है, नहीं चल तू मेरे घर मतलब चौकी चल। तो बोला ठीक है, चौकी जाते ही रहता हूँ। चौकी जाने के लिए ये लोग बोलते हैं मुझे चौकी ले जाने के लिए, अगर ये लोग मुझे चौकी नहीं लेकर जाते, दोस्ती कर रोड से, दोस्ती के जो रोड है, दोस्ती की जो बिल्डिंग बनी है उसके अंदर ही से मुझे लेकर खान कंपाउंड के रास्ते जंगल में लेके जाते हैं। उनका एक गोडाउन है उसमें बंद करते ताला मार के, और फिर मुझसे बहुत बेरहमी से मतलब मुझे पीटा मारा हथौड़ी से, स्क्रू ड्राइवर और अगरबत्ती जलाकर मुझे चटका दिया गया, फिर मेरे यहाँ गले की नस पे भी वार मारा गया है, मतलब बहुत बेरहमी से मारा मुझे। 8:30 बजे के करीब मुझे घर से लेके गए थे और 2:30 बजे के रात के करीब मैं वहाँ से कैसे भी जान बचाकर भागा, क्योंकि मेरा गला काटने जा रहे थे, मेरे हाथ पैर बांधे हुए थे, मेरे मुंह में टेप लगाए थे। मेरे जब हाथ पैर खोले और मुंह के टेप खोले, मुझे कुछ टाइम पानी पिलाया गया और मैं पेशाब करने के बहाने बोला मुझे माफ़ कर दो, मुझे पेशाब करने दो। और जैसे ही मतलब मैं ऐसे घुटने के बल खड़ा हुआ और थोड़ा ऐसा देखा भागने का रास्ता, तो फिर उधर से भागा, कुछ दूर आगे गया, एक बड़ा सा जंबो थैली मतलब प्लास्टिक की थैली रखी थी, उस पर मेरा पैर पड़ा और फिसल के मैं गटर में गिर गया और मैं बह गया कुछ दूर खड्डी गांव के रोड के पास मैं निकला। फिर उधर से कुछ जान बचा के मैं एक रिक्शे में छुप के बैठा था। सुबह होने के बाद मैं दीवा स्टेशन के लिए रिक्शा पकड़ के दीवा स्टेशन गया, फिर वहाँ से मैं कोड गया थाना कोड में। फिर उधर कोई शाप थे मतलब ड्यूटी पे नहीं थे वो, तो उन्होंने कहा इधर नहीं आप सिविल हॉस्पिटल जाओ पहले। मैंने उनको जो भी मेरे साथ दुर्घटना हुई थी मैंने बताया, और आरोपियों का नाम है, एक का नाम गुड्डू है, नद्दो है, नदीम है, जमाल है, आरिफ है, और एक आरोपी का नाम तो मुझे नहीं मालूम, और एक का नाम रमज़ान है, जो जिस आरोपी को अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले ही मुझसे साहब लोग मिलने आए थे, बोले चल उसकी दुकान दिखा, तो साहब लोग के सामने ही आरोपी खड़ा, और मैं बता भी रहा हूँ कि सर यही आरोपी है, तो बोलते तू ज़्यादा बोल मत, तू अपना काम कर। पुलिस वालों के पास आप गए थे तो क्या आपकी कंप्लेंट लिए थे उन लोगों ने? नहीं, मेरी पहले कंप्लेंट नहीं ले रहे थे, बोले आप जाओ और कल सुबह 10 बजे आना। तो फिर मैंने एक मेरे दोस्त थे गोवंडी में रहते, उनके पास मैंने फ़ोन लगाया, तो फिर वो डायरेक्ट मालिकर साहब के पास कॉल किए, तब मेरी कंप्लेंट दर्ज की गई। उससे पहले हमारी कंप्लेंट नहीं ली जा रही थी, हमें बैठाया गया था, और हम जब पहुँचे तब आरोपियों को छोड़ रहे थे, मतलब वो एक शाप थे, उनका नाम नहीं मालूम मुझे, मगर वो आरोपियों को छोड़ रहे थे, जैसे हम लोगों को देखा वो आरोपी को रुका लिए। तो उसमें से कोई आरोपी अरेस्ट हुए थे? हाँ, एक का नाम गुड्डू है वो अरेस्ट हुआ है, बाकी सब फरार है और सामने भी दिख रहे हैं, तो उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। पुलिस वालों ने जो FIR बनाई है तुम्हारी,
उन आरोपियों के नाम उस एफआईआर में है? नहीं मैडम, तीन लोगों का नाम है, चौथा जो नाम उसने एफआईआर में कॉपी में डाला है वो आरोपी नहीं है, क्योंकि उसने मुझे ना मारा ना कुछ किया। वो आया था उस जगह पे, मगर वो एक आरिफ करके लड़का है उसने बुलाया था उसको, और फिर मैंने भी बुलाया था क्योंकि वो शाहरुख करके नाम के लड़के को भी ढूंढ रहे थे, तो मैं बोला उसका घर वो जानता था, तो मैं बोला तू बता देना, तो वो आया था उस लिए। बाकी जो 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 आरोपियों का मैंने नाम बताया था वो उस आरोपियों में से सिर्फ तीन आरोपियों का नाम है, बाकी किस आरोपियों का नाम ही नहीं है उसमें। तो फिर ये क्या जो बाकी के जो नाम एफआईआर में दर्ज बताया जा रहा है, जब वो आरोपी है भी या नहीं है? नहीं मैम, वो जो जुबेर खान है वो आरोपी नहीं है, उसमें आरिफ नाम कर का आरोपी है उसका भी नाम नहीं है, नदीम है उसका भी नाम नहीं है। हमारे साथ मौजूद है इस घटना के चश्मदीद गवाह, क्या मामला है आइए उनसे बात करते। क्या नाम है बेटा? रमजान। क्या हुआ था उस वक्त? उस वक्त वो हुआ था कि मैं को उस लोग पकड़ के लेके गए, बोलते कि वो मेरे रिश्तेदार थे रिजवान भाई, वही मेरे से पूछताछ करने के लिए लेके गए थे कि वो जानता होगा घर, इसलिए मेरे को लेके गए। अब मैं उसका घर नहीं बता रहा था तो उसने मेरे को मारे और चाकू दिखाया। कौन कौन मारा तुमको? गुड्डू और तेसीम भाई और एक मोटा से हसन उसका नाम है, तो उसने मेरे को ऐसा मारा चाकू, इधर पहले मेरे को मारा उसने, फिर मेरे को सीने पे लात रखा और वो दिखा रहा था सामान चाकू मारने के लिए, बोलता अगर नहीं बताया तो। मैंने डर के मारे इनका घर बताया, फिर ये उनके घर पे से मैंने उठा के लाया, वो बताया, फिर वो लोग उठा के लाए गाड़ी में उठाने के बाद फिर गाले पे लेके आए, इसका हाथ पैर बांधे, फिर इसको बहुत मारे, पीवीसी से मारे और इससे मारे, मेरे सामने ही मारे और मेरे को भी मारे, इससे मारे पीवीसी में से मेरे को भी मारे, जो बता रहे ना उसका क्या नाम है अड्डा भाई, वो भी मेरे को बहुत मारा पीवीसी के बाहर से, इनको भी हथौड़ी से मारा इधर अड्डी अड्डी पे, और वो जो गुड्डू भाई है और एक सलमान चाली नाम का एक उधर रहता रसीद कंपाउंड में, वो इनको चटका दिया और गुड्डू भाई चटका दिए मोमबत्ती से जला के, और एक वो हसन है मोटा से, एक वो भी चटका दिया इनको जला जला के। पुलिस वालों को भी तुमने बोले नहीं इन लोगों ने मुझे मारा है, रिजवान भाई को मारा, ये तुमने कुछ भी नहीं बोले पुलिस वालों को? मैं बोला मारे उसको पीवीसी। पुलिस वालों का इस पे क्या था कार्रवाई? ये नहीं किए कार्रवाई अभी तो। कल उसने मेरे सामने गुड्डू ने 10,000 रुपया दिया पुलिस वाले को, वो सांप को, तो सांप, वो सांप का नाम मालूम है तुमको? नहीं मालूम है, सांप का नाम नहीं मालूम मुझे, काले से है, बटले से है थोड़ा, और वर्दी नहीं पहनते, शर्ट जींस पहनते ये सब, और उसने पैसा लिया और हम दोनों को छोड़ रहा था, मुझे और गुड्डू को, तो वैसे ही इनकी बहन इनको लेके आई, वो बोल रहे थे रिजवान को लेके आओ, तो लेके आई वैसे, फिर हम लोग को अंदर कर दिया, फिर बोलता है अंदर जाओ, फिर हमको अंदर बैठाया, फिर ये बात बात हुई, फिर वो बोलता है कि तुझे तू पुलिस वाला है, बोलता है तू कितना मारा है उसको, बहुत मारा, इससे मारा उससे मारा, तो सब वो झूठ बोलता है कि मैंने नहीं मारा इससे नहीं मारा, दूसरा कोई मारा, कोई भी आके उसको मार रहा था, गाली वाला चोरी किया, तो वो झूठ बोल के ऐसा बोल के मेरे को भी कुछ वैसे ही बोलता है कि ऐसे ही बोलना, अगर वैसा बोलेगा तो तुझे मार दूंगा। फिर मेरी माँ आई फिर मेरे को बोली कि वो पुलिस वाला बोला तेरी माँ आई जा, फिर मैंने सही सही बताया साहब को कि मुझे चाकू दे के धमका रहे थे, तब मेरे को छोड़े, तब मैं घर पे आया हूँ। शिलडाइगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दर्ज हुए अपहरण और पिटाई के मामले की जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ। हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।